हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके कबूतर मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। ताकि अमरावती के किसी लॉक का शौक नहीं कर रहे, तो अपन जा रहे हैं अभी बुल्ढाना, जहाँ पे बल्कि पिजेट टूर्नामेंट चल रही है। तो बुल्ढाना में हमारे एक दोस्त है अकरम भाई, आज हम उनके घर पे जा रहे हैं, जिनके कबूतर सवेरे 7:30 बजे उड़े थे ना। 7:30 बजे उनके कबूतर उड़े हुए हैं। तो अभी हम बस बुल्ढाना पहुंचने वाले हैं। बुल्ढाना पहुंचने के बाद उनके कबूतरों का शो करेंगे अपन। दोस्तों, ये देखिए पूरा फॉरेस्ट का एरिया है और हम जा रहे हैं अभी बुल्ढाना। मेरे साथ में सामने संदीप भाऊ बैठे हैं, पीछे हमारे कम्मू भैया, और कम्मू भैया के साथ में बैठे हमारे सुशील भाऊ। हम अमरावती से निकले अभी बुल्ढाना के लिए। बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा माहौल है। अभी अकरम भाई के कबूतर उड़ रहे हैं, वही देखने के लिए हम जा रहे हैं बुल्ढाना के लिए। यहाँ का जो वातावरण है, बहुत ही साइलेंट वातावरण लग रहा है। फॉरेस्ट एरिया है और किस्मत से अगर हमारे को कुछ देखने मिला तो हम कई जानवरों का भी आपको शौक करवाएंगे। देखते हैं किस्मत में क्या दिखाई देता है वापसी में। ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है फॉरेस्ट का। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात में बंद रहता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी बुल्ढाना। ये अकरम भाई के लॉप पे आए हैं हम अभी। इनके 7 कबूतर चल रहे हैं अभी, 8 है ना, 7 कबूतर। अकरम भाई के 7 कबूतर चल रहे हैं अभी। ये है अकरम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये अकरम भाई के कबूतर चल रहे हैं दोस्तों। 2:30 बज गए अभी। ये देखिए दोस्त, दिख रही ना ये वाली बीच की, इधर पहले वाली अंडे ये साली। दोस्तों, ये अकरम भाई के 5 कबूतर बैठे हैं 4:34 पे। अभी भी 2 कबूतर इनके चल रहे हैं ऊपर। तू जाके पर्दा लगा। दोस्तों, ये अकरम भाई के 2 कबूतर चल रहे हैं अभी। 6:14 हुए हैं। इनके 5 कबूतर बैठे थे 4:34 पे। ये 2 कबूतर अभी उड़ रहे है, आप देख सकते हैं। अरे आधा बोल दी ना कबूतर की। देखिए दोस्तों, कबूतर की आधा बता दीजिए। अरे तो वो पर्दा खुला था, ये बैठ गए। पर्दा पैक नहीं है ना भैया। टाइम कितना है भैया? 6:15 पे अकरम भाई के 2 कबूतर आखिरी जो बचे थे वो बैठ गए हैं। ये नीचे वाला गली ना थोड़ा, ये नीले दुमचो। दोस्तों, ये अकरम भाई का लॉफ्ट है। ये जो अभी कबूतर बैठा है 6:15 पे, 2 एक ऊपर है बैठा है। देखिए दोस्तों, ये बैठा है कबूतर 6:15 पे, अकरम भाई के कबूतर है। अकरम भाई बुल्ढाना वाले, इनके जो कबूतर 2 बैठे हैं अभी 6:15 पे। कबूतर अच्छे परवाज ले रहे थे, उड़ रहे थे। दोस्तों, ये अकरम भाई का ब्रीडिंग लॉफ्ट है। अपन इनके ब्रीडिंग का शो करते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी ब्रीडिंग है। ये देखिए, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इसमें। दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये 2 बच्चे यहाँ पे हैं। ये छोटे से छोटे प्यारे प्यारे 2 बेबी। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबी। ये 2 बच्चे और हैं। ये मादा अंडे पे बैठी है शायद। 2 अंडे यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं। दोस्तों देखिए, आ जाओ अंदर आओ। हाँ,
ब्रीडिंग का, अंदर का मेन वाला। दोस्तों ये अकरम भाई का ब्रीडिंग सेटअप जो अंदर भी है और से उसका भी शो करते हैं अपन अभी। ये जो सेटअप बना हुआ है दोस्तों ये अकरम भाई का उड़ान वाले कबूतर है। ये देखिए दोस्तों ये उड़ान वाले कबूतरों का सेटअप है दोस्तों। हम लगे रहे ऐसे दो सेटअप बने हुए इनके। ये मादी ने इसमें फीमेल रखी हुई है पूरे दोस्तों। ये पूरे ऊपर पूरे नर है, ये पूरे नर है और ये पूरे नर है। ये मेल ये देखिए दोस्तों, ये देखिए चौक कीजिए दोस्तों अकरम भाई के पंजाबी मद्रासी कबूतरों का। देखिए दोस्तों कबूतरों की खड़ान देखिए और कबूतरों की तंदुरुस्ती देखिए। देखिए दोस्तों ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, आज की उड़ान में कबूतर उड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नीला कबूतर और जो आखिरी में जो बैठा है लकड़ी के बाजू में वो कबूतर दोस्तों बाज ने मारा था उसको फटके आया कबूतर है दोस्तों, फिर भी उसने उड़ान ली आज की। मालिक के लिए जान भी देने वाले कबूतर है दोस्तों ये। कौन सी ये वाली ना दोस्तों? ये मादी अभी उड़ी हुई है आज के टूर्नामेंट में। वो दोनों भी, ये दोनों, ये सफेद जो दिख रहे हैं आपको ये दोनों फीमेल आज के टूर्नामेंट में उड़ी हुई कबूतरी है। देखिए दोस्तों जिनको कलर लगा हुआ है देखो दोस्तों, देखिए ये अकरम भाई के जो आज कबूतर बैठे हैं 6:15 पे ये दोनों कबूतर है दोस्तों। सवेरे 7 उड़े हुए कबूतर 6:15 पर बैठे हैं, फिर भी देखिए दोस्तों इनमें फिटनेस देखिए। कबूतर अभी भी गटर रहा है। देखिए दोस्तों चौक कीजिए कबूतरों का, ये इनका मेन ब्रीडिंग सेटअप है। माशाल्लाह दोस्तों देखिए क्या कबूतर है। ये जो उड़े इन्हीं के बच्चे उड़े थे, ये इन्हीं के आज जो कबूतर उड़े थे ये इन्हीं के बच्चे उड़े थे दोस्तों। ये जोड़े के दो बच्चे उड़े, ये जोड़े के दो बच्चे उड़े, ये जो जोड़ा देख रहे हैं दोस्तों अपन, एक भाई निकला उसका छोटा, ये इसके दो बच्चे आज उड़े थे और ये जोड़े के दो मादी ने, जो मादी ने ये जोड़े के दो फीमेल उड़े थे आज और ये जोड़ा है नीले जो तीन उड़े थे, जो नीले मद्रासी उड़े थे ये इनके पट्टे थे दोस्तों। अपन इनका शोक करते हैं अभी हर लॉट में बच्चा। दोस्तों ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है जो मेन सेटअप है दोस्तों। ये देखिए ये भी अंडे पे बैठा है दोस्तों, यहाँ पे दो बेबीज है छोटे छोटे। देखिए दोस्तों ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखिए दोस्तों, इसके नीचे भी दो अंडे है दोस्तों, यहाँ पे दो छोटे बेबी है दो, यहाँ पे अंडे पे बैठी है कबूतरी, यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे भी दो बच्चे दोस्तों, नीचे के लाइन में तीन अंडे, यहाँ पे दो अंडे है, ये मादी भी अंडे पे बैठी है, मद्रासीन मादी है दोस्तों, ये नर है सॉरी, यहाँ पे भी अंडे पे बैठे दोस्तों। ये अकरम भाई का मेन ब्रीडिंग सेटअप है दोस्तों। अपन ने जो कबूतर देखे है वो पूरे इनके ही बच्चे थे और आज के उड़ान में जो कबूतर उड़े है वो सभी इन जोड़ों के निकले हुए बच्चे थे दोस्तों। ये पूरे ब्रीडिंग वाले कबूतर है दोस्तों। वाले में से क्या मलवई है वो हजारे वाले में, दूसरे को बताओ। पूरे ब्रीडिंग वाले कबूतर है दोस्तों। लाल बच्चे ये फीमेल है दोस्तों, इसकी आंखों का शौक करते हैं अपन। लाजवाब आखिर छोटीदार मादी है दोस्तों। इसके पल्ले देखिए दोस्तों, ये इसके पंजे जामुनी पंजाबी का कबूतर है दोस्तों। ने अभी जो मादी का शो किया इसका नर है, इसके आंखों का शो करते अपन। मेन ब्रीडिंग कर ये मेन ब्रीडर है दोस्तों अकरम भाई के आंखें, इनकी नस्ल अभी तक चल रही है आगे। जो उड़ान में जो कबूतर उड़ रहे थे इनकी नस्ल थी लॉफ्ट की शान, लॉफ्ट की शान 5 धुपकाले में 5 तक उड़े हुए कबूतर है दोस्तों। इनके पट्टे भी उड़े हैं, ये भी कबूतर उड़े हैं। मेरा जो ब्रीडिंग सेटअप में मेन कबूतर जो है जो बाज में मेरे 24 तारीख से लेके कल की तारीख तक का समझो जो खड़क की लास्ट, तो उसके अंदर 6 कबूतर गए, तो इसके बहन भाई थे जो ज़ाया हो गए बाज के वार में,
कुछ फटके आए हुए नरों के लॉक में है, वो उनका शौक कराएंगे तुमको। और ये एक उसका शौक कर लो, एक उसका पत्थर है मेन, शौक कर लो। पंजाबी कबूतर है ना अकरम भाई? ये मद्रासी कबूतर है दोस्तों। ये देखो इसके आग का शौक करो, आइस का मेन, आइस का शौक करो इसको। देखिए दोस्तों इसकी आंखों का शौक कर दिया अपन। इसके अकरम भाई माँ बाप भी होंगे ना? हाँ इसके माँ बाप है, माँ बाप का शौक कराओ। ये मलवाई कबूतर है दोस्तों, ये बचपने से मैंने उड़ाया नहीं हूँ, डरने वाली है। हाँ मैंने उड़ाया नहीं इनकी, इसकी ब्रीडिंग लेना चाह रहा हूँ मैं भी। फिलहाल मैंने इसको उड़ाया नहीं हूँ, जैसा ये पट्टा निकला है मैंने ब्रीडिंग के लिए रख लिया हूँ भाई। ये प्योर धन्ने वाली कबूतरों में से मेन कबूतरी है, प्योर छतरी वाली खट्टे आग की कबूतरी ने, मलवाई कबूतर छतरी वाली कबूतर है दोस्तों। ये छोटे वजूद की कबूतरी ने, ये प्योर हजार वाले जो बोलते उसमें से कबूतर। मद्रासी कबूतर है, मदर है, बाप ये मदर है और वो फादर है, ये जोड़े के बच्चे इनका। ये उसकी माँ है, ये बाप है। गरीबियों में 46-47 में 6-6 बजे तक बैठे है कबूतर, 7-17 दोस्तों गर्मी में ये कबूतरों की उड़ान थी 7:17, 7:30 तक कबूतर उड़े हुए दोस्तों। ये मदर फादर, ये हमारे अकरम भाई के पेटी की शान है, लॉक की शान है, इनके बदौलत इनके कबूतरबाजी हो रही है। हमारे भैया आए हुए पलटन से स्पेशल शौक देखने के लिए, बुलाने का दादा साहब उनके भी पलटन वरुण बोलते, कबूतर खूब छान उड़ली, कबूतराचा खेळ बघण्याजोगा होता, परंतु साइडचे कबूतरवाले आपल्या गावचं नाव करत नाहीत आणि हे कबूतर उडवून स्वतःच्या गावाचं नाव घालवतात। कबूतर उडवणाऱ्याला साथ दिली पाहिजे, कबूतर उडवून साथ मिळत नाही। तुमचे कबूतर अर्धा तास एक तास उडतील त्याच्यात आनंद नाही, कबूतर बघायला या, कबूतर कसे उडतात, कबूतराचा खेळ कसा आहे। बिलकुल बिलकुल 100% बरोबर, किंवा तुमच्यामध्ये दम आहे तर मग तुम्ही टुर्नामेंटमध्ये उतरून तुम्ही खेळा बरोबर। ये हमारे संदीप भैया अमरावती से है और ये चिखली से हमारे लोखंडे बो, और ये कमलेश भैया गुप्ता ये भी अमरावती से शौक देखने के लिए आए, और ये आसिफ भाई बुल्लाने से हमारे, और ये हमारे भाई सुशील भैया हाँ सुशील भैया ये भी अमरावती से आए स्पेशल शौक देखने के लिए भैया। और ये हमारे सोहिल सर है बुल्लाने से, माशाल्लाह पिछले साल इन्होंने 22 दिसंबर में माशाल्लाह कितने 9 बजे 8:30 तक का सैयद सादत ये टूर्नामेंट में उन्होंने 8:30 तक कबूतर उड़ाए, तो माशाल्लाह बुलाने का शौक बहुत अच्छा चल रहा। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सभी एक दूसरे का साथ देके और सभी कबूतर भाइयों का साथ देके वो एक साथ चले, कबूतर का शौक अच्छा करे और अच्छा बढ़ाए। तो अकरम भाई आप क्या कहना चाहेंगे आज की उड़ान के बारे में? अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, भाइयों माशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छे उड़े, और जितने मेरे पार्टी के और जितने दोस्त अहबान थे मेरे साथ वो डट के खड़े रहे सुबह से शाम तक का मेरे साथ, और शौक में अच्छा इजाफा आया, और कुछ पिछले साल से ज़्यादा तो नहीं कुछ ना कुछ मिनटों का फ़र्क आया, बड़े हैं कबूतर। इंशाल्लाह अगले साल आते साल में इंशाल्लाह इससे अच्छा मैं परफॉर्मेंस करके बताऊँगा, मैं इतनी कोशिश करूँगा। बाकी हमारे रेपली साहब और ये हमारे शफात भाई, जैसे कि हमारे अकरम भाई ने बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर उड़ाया भैया, साफ़ सुथरे एकदम बिल्कुल सवेरे से भैया कबूतर दिखते हुए छोड़ा, बस जो है तो थोड़ा वार के वजह से कबूतर जो है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा था, वो हिसाब से भैया दो एक बार टाइम लगा पर कबूतर तुरंत खुल गया भैया, 5-10 मिनट में कबूतर दिख जा रहा था, बहुत ज़बरदस्त कबूतर उड़े भैया। हम भी शौकी कर रहे थे अकरम भाई के यहाँ पे भी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्रेश कबूतर उड़े, थोड़ा वार का प्रॉब्लम हुआ तो 2-3 बाज आ गए थे तो थोड़े कबूतर नीचे ऊपर हुए समझो, लेकिन माशाल्लाह बहुत यानी कबूतर फटे लेकिन फिर मिल गए, तो अच्छा मजा आया, बहुत अच्छा शौक हुआ भाई, बहुत माशाल्लाह। चलो अकरम भाई के कबूतरों की इस उड़ान के लिए अकरम भाई के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, तालियां कर माशाल्लाह। अगले साल अकरम भाई के कबूतर 12 के वादी बैठे इंशाल्लाह।